बैक टू माई चैनल पूजास अड्डा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आ गई हूँ मैं मेकअप कलेक्शन पार्ट टू लेके। पार्ट वन मैंने आपसे शेयर किया और उसमें हमने बात किया था प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट के बारे में, एंड वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि मैं सेकंड दो पार्ट में लेके आऊँगी। सो आज मैं आपके साथ पार्ट टू शेयर करने वाली हूँ जिसमें आगे के जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बाकी फेस के अलावा उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड मैं बताऊँगी कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उनके प्राइस के हिसाब से वो कितने वर्थ बाइंग है, एंड आपको वो बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। बेसिकली जो बात हमने पार्ट वन में की थी वही बात आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट वन मेकअप कलेक्शन का नहीं देखा है सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड पार्ट टू अगर आपको पसंद आती है और हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। एंड अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। वैसे तो मुझे आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाना था एंड देन उसके बारे में बताना था, बट क्योंकि मेरा बच्चा मेरा पूरा मेकअप किट लेके बैठा है और वो मुझे एक भी प्रोडक्ट को हाथ लगाने नहीं दे रहा है, बट ठीक है। सो पिक्स जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ पिक्स मैं यहाँ पे इंस्टॉल करती जाऊँगी, साथ में आपको उसका शेड नंबर या फिर उसका जो प्राइस है सब डिटेल्स भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन करती जाऊँगी, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, एंड बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। सो कल हमने बात किया था प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट के बारे में, एंड उसके बाद जो फेस के लिए और आपको चाहिए होता है मेकअप के लिए वो है कॉन्टोर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्टोरिंग अगर आप चाहें तो करें, अगर आप ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं टोटली। इट्स जस्ट कि अगर आप कॉन्टोर करते हैं ना वो आपका फेस का जो फीचर्स है उसको एक डायमेंशन प्रोवाइड करता है। आपको कहीं का अगर आपका बहुत ज़्यादा जैसे चबी चिक्स है तो आपको उसको थोड़ा स्लिम करना है, आपकी नोज छोटी है उसको लंबी दिखानी है, या आपकी नोज ज़्यादा चौड़ी है मोटी है तो आप उसको स्लिम दिखाना है, तो ये सारी चीज़ के लिए हम कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। सो अगर ये आपको आता है आप या फिर आप सीखना चाहते हैं देन बेस्ट है कि आप वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट ले सकते हैं जिसमें आपको डार्क एंड लाइट दो शेड आता है। पाउडर बेस्ड वो प्रोडक्ट है, बढ़िया वाला प्रोडक्ट है। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही इजी है उसे यूज़ करना, और अगर आप बजट में देख रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में है। तो मैं पहले वही यूज़ करती थी, मेरे पास एक वही किट था बट वो टूट गया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दूसरा ट्राई करते हैं। आप उसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं अगर आप कोई अच्छा कॉन्टोरिंग पैलेट देख रहे हैं अपने बजट प्राइस में। सेकेंडली जो प्रोडक्ट है वो है इनसाइट का कॉन्टोरिंग पैलेट, लाइक वो पूरा कलर करेक्टर पैलेट आता है। सो उसमें काफ़ी कलर आपको ग्रीन, ऑरेंज, ब्रॉन्ज, आपको उसमें चार पांच कलर के शेड मिल जाते हैं, जो हर कलर का एक अपना अपना रोल है जो जिस वजह से वो यूज़ होता है। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, एंड बाकी फिर यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस हैं, अब वो देख के भी आप सीख सकते हैं कि कौन सा कलर करेक्टर कब यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको लाइक मिल जाएंगे, पैलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो वेट एंड वाइल्ड है वो सबसे बढ़िया वाला पैलेट है क्योंकि वो प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, एंड सबसे अच्छा है बिगनर्स के लिए क्योंकि वो बहुत ईजी है यूज़ करने में। सो ये दो पैलेट जो मैं यूज़ करती हूँ एंड या जो मैंने यूज़ किया है। सो ये तो हो गई कॉन्टोरिंग की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लशर की तरफ, तो पहले से चलता आ रहा है पाउडर बेस्ड ब्लश, आजकल काफ़ी ज़्यादा है टिंटेड ब्लशेस चलते हैं, लाइक टिंट चलता है, चिक टिंट, लिप टिंट, वो लिक्विडी फॉर्म में होता है, वो बहुत इजी हो जाता है ब्लेंड करने पे, आप वो ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो यूज़ कर रही हूँ, इसके पहले मैं पाउडर बेस्ड ब्लश यूज़ करती थी, कोई ब्रांड नहीं था, लाइक नॉन ब्रांडेड यूज़ करती थी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना जो आई शेड पैलेट है मैं उसमें से ही जो ब्लश का कलर है वो कलर पिक कर लेती थी, लाइक पिंकिश काइंड ऑफ कलर या रेडिश काइंड ऑफ अ कलर कुछ ऐसा पिक कर लेती थी जो कि ब्लश का काम कर जाता था, एंड ऐसा मैंने बहुत बार किया है। लेकिन उसके बाद अभी मैंने ऐड किया है इनसाइड का ब्लश जो कि क्रीम बेस है, पिक मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी, प्रोडक्ट कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। ये क्रीम बेस है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है इसको ब्लेंड करना, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। हाँ बस ये चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पाउडर बेस ब्लश है आप अपना बेस करने के बाद लाइक फाउंडेशन एंड एवरीथिंग कॉम्पैक्ट से अपने बेस को सेट करने के बाद हम पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं, बट अगर क्रीम बेस ब्लश आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना कॉम्पैक्ट यूज़ करने के पहले आपको वो ब्लश को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होगा, अप्लाई करना होगा, एंड देन उसको कॉम्पैक्ट से आपको सेट करना होगा ताकि जो आपका ब्लश है वो एक जगह इंटैक्ट रहे। ओके, और एल्स आप नॉर्मल जो लिप एंड चिक टिंट होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म होता है, बहुत ईजी भी होता है उसे यूज़ करना, आपको जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लगाना है चाहे अपने लिप्स में हो चाहे अपने चिक बोन पे हो, एंड देन आप उसको हाथ से ही बहुत ही अच्छे से स्मच कर सकते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, एंड वो काफ़ी पिगमेंटेड भी होता है, लुक बहुत नेचुरल देता है, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट फेस का जो बेस से रिलेटेड होता है, दैट इज़ दी हाईलाइटर। अगेन हाईलाइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मेकअप में, काफ़ी मतलब आपके मेकअप किट में हाईलाइटर होना ही चाहिए, कितने प्राइस का होना चाहिए वो मैटर नहीं करता, बट एक अच्छा हाईलाइटर होना चाहिए बिकॉज हाईलाइटर आपके फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो चिक बोन है, बेसिकली हाईलाइटर होता है कि जब आपके फेस पे अगर लाइट आ रही है तो जो हमारा
एरिया है लाइक चिक बोन, जो उभरा हुआ एरिया है वहाँ पे हमारा लाइट फोकस आता है एंड वो शाइन करता है, तो उस जगह पे हम हाईलाइटर यूज करते हैं, जैसे कि हमारे ब्रिज ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, देन हमारे चिक बोन पे, देन हमारे ब्रो बोन पे, इस जगह पे, ये सारी जगह पे हम हाईलाइटर यूज करते हैं, टिप ऑफ आर लिप्स, चिन एरिया, सो जहाँ पे भी आपको अपने फीचर्स को हाईलाइट करना है वहाँ पे हम हाईलाइटर का यूज करते हैं। सो ये काफी अच्छा है, मतलब आपका फेस में आपके मेकअप को एनहेंस करता है। सो आप हाईलाइटर जरूर से अपने मेकअप किट में ऐड करिए। मैं जो यूज करती हूँ दैट इज स्विस ब्यूटी का जो ब्रिक हाईलाइटर है, मैं वो यूज करती हूँ, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी है एंड मैंने जब ये सब लिया था तो मैंने ध्यान में रखा था कि मैं किस हिसाब से उसको यूज करूंगी, उस हिसाब से वो मेरे बजट में भी आना चाहिए, तो वो चीज ध्यान में रखकर मैंने स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पिक किया था एंड वो काफी पिगमेंटेड है और काफी अच्छा है एंड ईजी टू यूज है। सो फेस के बाद अभी फेस में जो बाकी हमारे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ दी आईब्रो। आई मीन आपके फेस पे आपका आईब्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितना भी अच्छे से मेकअप करो, अगर आपके आईब्रो प्रॉपर नहीं है, शार्प पॉइंटेड नहीं है, सो आपका जो मेकअप है ना वो उतना ज़्यादा एनहेंस नहीं होगा। स्पेशली जो आई मेकअप है, आप जितना भी अच्छा आई मेकअप कर लो, अगर आपने ब्रॉज चिक्स नहीं फिल किया है या आपका प्रॉपर शेप में नहीं है, तो आपका जो आई मेकअप है ना उसका भी लुक नहीं आता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जिनके घने ब्रॉज होते हैं, काफ़ी डेंस होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल अगर आप वहाँ पे भी ब्रो फिलर यूज़ करते हैं ना, तो वो जो है एक प्रॉपर शेप में रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो यूज़ किया था दैट इज़ मेबलिन का आईब्रो ड्यो शेपर, बहुत ही बढ़िया वाला था एंड वो बहुत ईजी टू यूज़ था। डार्क ग्रे शेड उसमें मैंने पिक किया था। सो उसमें ना वो आपको एक पेन मिल जाता है जिसमें एक साइड पे आपका प्रोडक्ट पेंसिल दिया हुआ है, जिसमें से आप अपने ब्रोज का जो आउटर लाइन है वो शेप देख के एंड जो आपके गैप्स हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। दूसरे साइड वहां पे ना स्मजर मिल जाता है, तो वो स्मजर का जो कैप है उसमें ही प्रोडक्ट लगा हुआ है। सो आप जब कैप जब भी ओपन करेंगे, आपको जस्ट उसको स्मजर को अपने ब्रॉज पे यू नो मूव करना है एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो आपके जो शार्प लाइंस है उसको फिल कर देगा, जो थोड़े से गैप्स हैं उसको फिल कर देगा, आपका जो प्रोडक्ट है उसको इवनली स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से कहीं भी हार्श लाइंस नहीं दिखती थी एंड बहुत ही अच्छा सा आपका ब्रॉज को एक शेप यू नो काफी अच्छे से फिल करके बहुत ही अच्छा शेप प्रोवाइड करता था। सो वो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन के आईब्रो शेपर। तो पहला वाला जो मैंने यूज़ किया था वो था ब्लू हेवन का ब्रो पेंसिल एंड स्टाइलर, जो इस तरीके का कुछ स्टिक जैसा था एंड इसमें एक साइड पे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, लाइक आपको पेंसिल मिल जाता है जिससे आप अपने ब्रोज को फिल करेंगे एंड लाइन एंड आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये ना ट्रायंगल शेप में, तो वो काफी ज्यादा इजी भी था कि पॉइंट एरिया से आप अपने जहाँ पे पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे काफी अच्छे से यू नो शार्प पॉइंट्स कर सकते थे। सो ये है एक साइड पे प्रोडक्ट एंड दूसरे साइड पे यहाँ पे आपको स्पूली मिल जाता है जिससे आप ब्रश आउट करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। सो ये वाला एक स्टिक काफी अच्छा है, मतलब इसमें आपको स्पूली अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, स्पूली भी मिल जाता है एंड आपको ब्रो के लिए प्रोडक्ट भी मिलता है। सेकेंडली अगेन मैंने ब्लू हेवन का ही यूज किया है जो कि ट्रू ब्रो आईब्रो डिफाइनर है। सो ये भी उसी तरीके का पेन है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोडक्ट ट्रायंगल शेप में एंड ये ऑलमोस्ट खत्म है, पूरा ही खत्म है, बहुत अच्छा है। डार्क ग्रे इसका जो शेड है जो कि काफी अच्छा लगता है, लाइक आपके जो ब्रोज है ना उसको नेचुरल लुक देता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्लैक एकदम जेड ब्लैक यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी आर्टिफिशियल लगेगा, बिकॉज हमारे जो ब्रोज हैं वो इतने ज़्यादा काले नहीं होते, बट ठीक है, अदरवाइज स्टिल आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, बट अदरवाइज आप डार्क ब्राउन के लिए जाइए जो कि एकदम डार्क कॉफी ब्राउन होता है वैसा शेड के लिए, अदरवाइज डार्क ग्रे के लिए। सो ये दो शेड है जो कि ब्रोज को बहुत नेचुरल लुक देते हैं। सो ये दो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद फिलहाल में मैंने स्टार्ट किया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर 2-in-1। ये इस तरीके से टब में आता है एंड इसका जो एक है आपको यहाँ पे ब्रो फिलर दिया हुआ है एंड इसके साथ आपको एक छोटा सा एप्लीकेटर मिल जाता है जो कि काफ़ी इजी है। एक साइड पे आपको ब्रोज के लिए मिल जाता है एंड दूसरे साइड पे ब्रश दिया हुआ है आई लाइनर के लिए, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है ईजी एप्लीकेशन के लिए। और ये पाउडर बेस है बट काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल मुझे पेंसिल जो पेन्स होते हैं पेंसिल होते हैं वो ज़्यादा ईजी लगता है, बिकॉज उसके लिए आपको ब्रश नहीं चाहिए कुछ नहीं, आपने जस्ट प्रोडक्ट ओपन किया लगा लिया एंड जो सेकंड वाला मैंने बताया जो स्पूली के साथ है तो उसमें जरूरत ही नहीं है, आपका स्पूली भी साथ में दिया हुआ है एंड ये भी काफी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और एक ही प्रोडक्ट में आपको आपके आईब्रोज के लिए एंड जेल लाइनर भी मिल जाता है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा है। सो ये हो गया ब्रोज की बात और अब स्टार्ट करते हैं आईज के बारे में। तो आईज का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है आई मेकअप के लिए वो होता है आई शेड पैलेट। सो आपके पास एक बहुत अच्छा आई शेड पैलेट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 आई शेड पैलेट है। अगर आपको पसंद है कलेक्शंस रखना सो बात अलग है, अदरवाइज आप एक ऐसा शेड ऐसा पैलेट पिक करिए जिसमें आपको मैक्सिमम सारे कलर्स मिल जाते हैं, ऐसे कलर्स की जिस टाइप से जिससे आप मल्टीपल आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं एंड जैसे कलर्स आप यूज करते हैं। सो मेरे पास दो ही आई शेड पैलेट है, फर्स्ट है ये जो कि है स्विस ब्यूटी का विंकी 36 कलर आई शेड पैलेट, ये कुछ इस तरीके का आई शेड पैलेट है एंड इसमें आपको मिल जाते हैं 36 शेड्स
ठीक है। सो ये वाला आई शेड पैलेट मैंने मंगवाया था एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो कलर्स है ना वो उस टाइप के कलर्स है जिससे मैं मल्टीपल लुक क्रिएट कर सकती हूँ एंड इसमें 36 कलर्स बहुत होते हैं, काफ़ी लुक्स उसमें से क्रिएट हो सकता है। इसके जो कलर शेड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है जिसकी वजह से ना इससे काफ़ी मुझे बहुत पसंद आते हैं ये शेड्स और इससे जो आई लुक क्रिएट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा भड़कीला सा नहीं लगता है कि ब्राइट रेड लगा लिया, ब्राइट ग्रीन लगा लिया या फिर एकदम नियॉन पे चले गए। बहुत फंकी लुक अगर क्रिएट करना है, इससे आप फंकी नहीं क्रिएट कर सकते हैं बट इससे आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप के इसके जो शेड्स हैं। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जब मैंने लिया था तब इसमें 2-3 पैलेट्स के ऑप्शन थे बट अभी मैं सर्च कर रही थी तो आई थिंक ये वाला मैंने नायका में सर्च किया या पर्पल पे किया। सो अभी शायद ये वाला अवेलेबल नहीं है। 18 शेड्स का पैलेट अवेलेबल है बट ये 36 शेड्स वाला नहीं है बट ये बहुत रीजनेबल प्राइस में था एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट मेरे पास एक आई शेड पैलेट है जो कि है ग्लैम विस्टा का कलर आई शेड पैलेट, प्रोफेशनल मेकअप मेगा पैलेट है एंड ये कितने शेड्स हैं इसमें, ये आपको देखो इस तरीके इसमें से काफ़ी शेड्स आपको मिल जाते हैं। ये वाला जो पैलेट है ये मैंने एक इंस्टा पेज से मंगाया था एंड ये वाला पैलेट मंगाने का रीज़न ये था क्योंकि जो पहले वाला पैलेट मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें जितने भी आपने शेड्स देखे होंगे जो कि मैंने बताया बहुत ही इंटेंस डार्क साइड पे हैं एंड इसके ये पैलेट में जितने कलर्स हैं ना आप देखो बहुत ही ब्राइट कलर्स हैं, लाइक आपको इसमें ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, पर्पल, मतलब ये सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सो अगर मुझे कुछ ऐसा लुक क्रिएट करना है जिसमें मुझे ब्राइट कलर्स की ज़रूरत है देन मैं ये पैलेट यूज़ करती हूँ और अगर मुझे कुछ ऐसा मेकअप करना है जिसमें मुझे बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप करना है या सोफिस्टिकेटेड सा मेकअप करना है, इंटेंस मेकअप करना है देन मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ करती हूँ। सो यही दो पैलेट मेरे पास है एंड फिलहाल मैं ये दोनों में सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मेरा जो रिक्वायरमेंट है ये दो पैलेट में पूरा हो जाता है। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, ये मैंने एक इंस्टा पेज से बाय किया था सो उन पेज का नाम मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लाइनर्स की। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज लाइनर्स बहुत सारे हैं एंड आपको बजट में बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइनर्स के, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना और मैं अभी तक कर रही हूँ और मैं कंटिन्यू आगे भी करूँगी वो है लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंस आई लाइनर। ये लाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैक्सिमम लड़कियों के पास ये वाला लाइनर होगा ही होगा। एक तो बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, दूसरा काफ़ी मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलता है बिकॉज इसमें मतलब ये काफ़ी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो ये बढ़िया वाला लाइनर है। एंड तीसरा ये है कि ये बहुत इजीली वॉश हो जाता है। अब अगर लाइनर अप्लाई किया आप जस्ट अपना फेस वॉश यूज़ करेंगे, लाइक फेस को क्लीन करेंगे फेस वॉश से, उसमें भी ये लाइनर बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो ये है कि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत छोटा सा दिया है, ये वाला जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो अगर आपने ना फॉल्स लैशेज वगैरह अप्लाई किए हैं और उसके बाद वो लैश लाइन के ऊपर में आपको जब आई लाइनर लगाना होता है तो ये मतलब लैशेज पे प्रोडक्ट लग जाता है, आई लाइनर लैशेज पे लगता है, तो वो अगर लगने से ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। एंड अगर आप नॉर्मल भी आई लाइनर लगा रहे तो भी ये जो है आपके लैशेज पे आई लाइनर लगता है एंड उस क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा लगा है एंड उसी बीच मुझे छींक आ गई है और जब मैंने आँख बंद किया तो वो पूरा मतलब जितना मेकअप किया पूरा ही स्पॉइल हुआ है। सो ये एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती इसकी, बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सेकेंडली एक जो है उसके बाद मैंने यूज़ किया है कोलोसन, मैं हमेशा से ही यूज़ करती आई हूँ मेबेलिन कोलोसन, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड वाटरप्रूफ है, सो बहुत ही बढ़िया वाला है कोलोसन, आप ट्राई कर सकते हैं। देन मैंने ना फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आईज लाइनर आई लाइनर यूज़ किया था, ये बहुत अच्छा है और अच्छे होने का रीज़न ये है कि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा स्टिक दिया हुआ है एंड उसके बाद जो ब्रश है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, स्पेशली अगर आपने फॉल्स आई लैशेज लगाए हैं ना तो इससे आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज ये बिल्कुल भी आपके आईलैशेस को टच नहीं करता है, सो वो चीज़ इसकी मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी आईलाइनर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, जो यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करते रहिए, सेम काजल के लिए भी आपको ऑप्शन नहीं चाहिए। जैसे मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे कोलोसन एंड NYB का मैंने यूज़ किया, पर्पल का मैंने यूज़ किया है, बट ये सब में मुझे कोलोसन अच्छा लगा है एंड सेकेंडली लैक्मे अच्छा लगा है। सो लैक्मे में मैं 3 कलर्स यूज़ कर रही हूँ, एम्ब्रेल ग्रीन एंड ब्राउन एंड ब्लैक। सो ये काजल है जो रेगुलर बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, उसमें मतलब हर कोई मतलब उसमें काजल का हर किसी का अपना चॉइस है बट मेरा ये यूज़ करने का कोलोसन स्पेशली रीज़न ये है कि मेरा काजल बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और मैं इसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ काजल ज़्यादा लगाना क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है। उससे क्या होता है ना कि आपके आईज़ के सराउंडिंग मतलब ऐसा पूरा डार्क सर्कल, ऐसा लगता है ज़्यादा डार्क सर्कल है बिकॉज वो पूरा ब्लैक हो जाता है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा काजल ना लगाऊँ। और अगर किसी पार्टी फंक्शंस के लिए मैं हैवी थिक काजल लगाती हूँ तो उसको ना मैं आई शेड से स्मच कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा लंबे टाइम तक टिके, तो ये रीज़न है। अदरवाइज आप अपने चॉइस से जो काजल यूज़ करते हैं आपके हिसाब से जो बेस्ट है आप वो यूज़ करिए। इसके बाद आ जाते हैं मस्कारा के लिए तरफ, तो मस्कारा में
मेरे पास फिलहाल है तीन ऑप्शन. सो सबसे पहला जो मेरा मस्कारा है वो है मेबलिन टोटल टेम्पटेशन मस्कारा. एंड ये बहुत ही बढ़िया वाला मस्कारा है. लाइक ये आपके आईज़ को, मतलब आई लैशेज़ को ना बहुत ही अच्छा लिफ्ट देता है. आपको अगर आपने इसका दो या तीन कोट लगाया ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको फॉल्स लैशेज़ लगाने की ज़रूरत है. ये इतना बढ़िया वाला आई लैशेज़ को लुक देता है. सो ये मेरा मोस्ट 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 फेवरेट मस्कारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सेकेंड है मस्कारा में मेरे पास पर्पल का मस्कारा. सो ये वाला मस्कारा डेली वेयर के लिए अच्छा है. लाइक आपको बहुत अगर लंबे लैशेस नहीं चाहिए और थिक लैशेस, हैवी लैशेस नहीं चाहिए, लाइक एक नॉर्मल सिर्फ आपके लैशेस को एक डायमेंशन चाहिए, एक लुक चाहिए, सो उस वक्त तब आप ये पर्पल का मस्कारा यूज़ कर सकते हैं. मैं ये बाय की थी एंड ये मैं यूज़ करती हूँ कैजुअल वेयर के हिसाब से. बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है तब जब मुझे ना इसको लोअर लैश लाइन में, मतलब लोअर लैशेस में लगाना होता है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत छोटा सा है, पतला सा है, तो वो काफ़ी इजी होता है लोअर लैशेस में अप्लाई करने में. सो थर्ड वन जो है वो है मार्स का मस्कारा. एंड ये मैंने किसी को देखा था रिव्यू में या किसी यूट्यूब चैनल पे देखा था, देन मैंने ये ऑर्डर किया था. एंड सच में ये इतना बढ़िया वाला मस्कारा है, ये थिक है. एंड आपका, आपको इसका एप्लीकेटर दिखाती हूँ. ये देखो दिख रहा है. सो ये आपको ऐसा ऑलरेडी कर्व है, तो जब आप ऐसा इसको अप्लाई करते हैं ना तो ये आपके लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है. सो मुझे ये वाला मस्कारा भी बहुत ज़्यादा पसंद है. बट ये नॉर्मल फेस वॉश करने से है ना, मतलब इजीली निकलता नहीं है, इस लैश का ये प्रॉब्लम है. तो अदरवाइज मस्कारा बहुत अच्छा है, ये है मार्स का मस्कारा एंड बट इट्स गुड. सो गाइज ये हो गया आई मेकअप की बात और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लिप से. सो लास्ट आ जाता है लिपस्टिक ऑप्शन में. एंड इसके में कोई चॉइस नहीं है, लाइक ये पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आपको किस टाइप की लिपस्टिक पसंद है. लाइक आप थोड़ा सा क्रीम बेस जाना चाहते हैं, मैट लुक जाना चाहते हैं, शाइनी लुक जाना चाहते हैं, लिक्विड बेस्ड चाहिए या आपको स्टिक बेस्ड चाहिए, ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है. मैं मेरी चॉइस बता देती हूँ. लाइक मुझे वो लिपस्टिक्स पसंद है जो कि थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में हो, मैट लुक हो बट क्रीमी टेक्सचर हो. लाइक मुझे लिपस्टिक्स पसंद हैं जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं उससे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो क्रीम लिपस्टिक्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, वो यूज़ करूँ. जैसे कि अभी लेकिन जो लिक्विड लिपस्टिक है उसमें एक मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. ये बहुत ही बढ़िया वाला है. और शेड्स की मैं बात नहीं करूँगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्राइट कलर्स पसंद है या मैट कलर्स, या मतलब यू नो ब्राइट पसंद है या न्यूड पसंद है. लाइक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूड अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर लिपस्टिक्स पसंद नहीं है. सो ये वाला बट डार्क साइड पे है अभी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कुछ ट्रेडिशनल पार्टी मेकअप करना है या यू नो ट्रेडिशनल कुछ फंक्शन है जिसमें साड़ी वेयर कर रहे हैं या लहंगा वेयर कर रहे हैं. सो वो डिपेंड करता है कि आपके पास लाइट एंड डार्क दोनों शेड होने चाहिए. सो ये वाला एक शेड हाल फिलहाल में मैंने खरीदा है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा शेड है. एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है बट बहुत क्रीमी टेक्सचर है, वरना कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स ऐसे होते हैं जो मैट होते हैं कि आप जब उसको अप्लाई करेंगे वो ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे लिप्स को ड्राई कर देते हैं. ये वैसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया वाला इसका शेड भी है एंड बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर भी है. नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये लिक्विड लिपस्टिक है जो कि एन वाई बेकी है, बट ये ना बहुत ज़्यादा लिप्स को ड्राई कर देता है, तो ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. हालांकि ये मैंने खुद बाय नहीं किया था, ये मुझे फ्री गिफ्ट में आया था, बट ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज ये ड्राई होने के बाद लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है. एंड इसको रिमूव करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब मुझे ऑयलिंग वगैरह लगा के इसको रिमूव करना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा मतलब यू नो हार्श हो जाता है. सो ये वाला मुझे उतना पसंद नहीं है. उसके बाद मैक्सिमम जो है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लिक्विड लिपस्टिक पसंद नहीं है, सो मेरे पास ज़्यादातर लिपस्टिक्स ही हैं, लाइक क्रीम लिपस्टिक्स है. सो ये दो ऑप्शन के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरे पास एक ऑप्शन जो कि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, एन वाई बेकी लिपस्टिक्स जो नॉर्मल लिपस्टिक्स आती हैं, लाइक लिक्विड नहीं, नॉर्मल लिपस्टिक इस तरीके की जिसकी पैकेजिंग होती है. ये भी अगेन मैट लिपस्टिक्स हैं बट थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है. मैं अप्लाई करने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपके लिप्स को ड्राई नहीं करते हैं, सो आप ये एन वाई बेकी लिपस्टिक के लिए जा सकते हैं. अदरवाइज आप लैक्मे का लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं, मेबलिन ट्राई कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है. और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है और उससे भी ज़्यादा आप बजट में अगर लिपस्टिक देखते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं फंसाती हूँ, लाइक बहुत महंगे लिपस्टिक्स के लिए मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक लिपस्टिक को आप डेली रेगुलर आप नहीं अप्लाई करते हो. एंड अगर आप महंगे लिपस्टिक लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा दो साल, उसके बाद क्या, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं. लेकिन अगर आप उसको रेगुलर भी अप्लाई करो ना तो भी वो लिपस्टिक्स मुझे नहीं लगता कि दो साल में खत्म हो जाते होंगे. तो वो अगर बहुत ज़्यादा महंगे लिपस्टिक के लिए जाओ तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है. अगर आपके पास गिने चुने लिपस्टिक है, लाइक एक दो ही शेड है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, या फिर आप होल डे, मान लो अगर आप वर्किंग है, आप होल डे अपने लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, बिकॉज अच्छी क्वालिटी का लिपस्टिक होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज वो अगर आप बहुत लो क्वालिटी का लेंगे या नॉन ब्रांडेड लिपस्टिक लेंगे ना तो वो आपके लिप्स को डार्क कर देते हैं. सो अगर आप अपने यूसेज के हिसाब से लिपस्टिक पे स्पेंड करिए. अगर आपके पास लिमिटेड
यू नो कलेक्शंस है एंड आप दिन भर लिपस्टिक आपके लिप्स में अप्लाई करके रखते हैं, सो आप डेफिनेटली बहुत हाई ब्रांड के लिए और अच्छे महंगे ब्रांड्स के लिए जाइए ताकि जो आपका लिप्स है वो खराब ना हो एंड आपके लिपस्टिक जो है लास्ट लॉन्ग स्टे करे। बट अगर आपको कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करना है एंड आपके पास कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है, आपको चेंज कर करके लिपस्टिक्स अप्लाई करना पसंद है, देन मैं ये बोलूँगी आप बहुत ज़्यादा महंगे लिपस्टिक के लिए ना जाएं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आप एलिटीन के लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे मैट शेड्स आते हैं जो कि मैट लुक देते हैं। आपको क्रीमी टेक्सचर में भी मिल जाएगा, आपको मैट टेक्सचर में भी मिल जाएगा, आपको शाइनी में भी मिल जाएगा, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्स वेरिएशंस आपको मिलते हैं एंड वो बहुत बजट में है, मतलब आई थिंक 150-200 के अंदर में आपको बहुत ही बढ़िया वाली लिपस्टिक्स मिल जाती हैं। सो या अगर आपको ट्राई करना है, आपको कलेक्शंस रखने हैं, आपको डिफरेंट शेड्स ट्राई करने का शौक है, तो आप डेफिनेटली एलिटीन के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा ब्रांड है एंड रीजनेबल प्राइस है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है सो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से पार्ट वन भी ज़रूर से देखिए, वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड आज जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके भी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि जस्ट इन केस आप ट्राई करना चाहते हैं सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।